हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हरियाणा सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही थी और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों हमने अपडेट भी कर दिए हैं। वो पार्ट दोस्तों प्लेलिस्ट में है, वो आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं काफ़ी अनटच टाइप क्वेश्चन जो हो सकता है किसी बुक्स के अंदर आपने अभी तक स्टडी ना की हो। तो दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो बिना टाइम बर्बाद किए दोस्तों शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, हेमू रेवाड़ी का शासक था, वह व्यापार करता था। व्यापार से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, एक टाइप से अनटच क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन इसका रहेगा हमारा ऑप्शन बी, नमक का। दोस्तों हेमू रेवाड़ी का शासक था लेकिन वह व्यापारी था, ठीक है, और वो नमक का जो है व्यापार करता था। दोस्तों इस टाइप के अनटच टाइप क्वेश्चन से आपका क्या स्कोर होता है आप हमें कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो दोस्तों किसका जो व्यापारी था हेमू, नमक का व्यापारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भील जाति का इतिहास जुड़ा हुआ है। बात कर ली गई दोस्तों भील जाति की, यानी भील जाति का इतिहास जो है वो किस से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों यहाँ से भी आजकल जो है एग्जाम के अंदर लेवल देखें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा है सी, फतेहाबाद। फतेहाबाद से जो है दोस्तों भील जाति का इतिहास जुड़ा हुआ है। फतेहाबाद दोस्तों जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 के अंदर की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों परमाणु ऊर्जा परियोजना है फतेहाबाद के अंदर, वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिंक सिटी, इकदार, ठीक है, इस टाइप से जो है इसको हमारे फतेहाबाद को जाना जाता है। टोहाना से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, टोहाना, ठीक है, जो हमारा नहरों का शहर जिसको बोला जाता है, तो वहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पपीहा पर्यटन स्थल भी है दोस्तों, पपीहा पर्यटन स्थल हरियाणा के अंदर, और दूसरी जगह कहाँ है आप हमें कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। एक पपीहा स्थल दोस्तों हमारे फतेहाबाद के अंदर भी है। चिल्ली, चिल्ली झील दोस्तों सबसे एक टाइप से प्राचीन झील जो है माना जाता है, वो भी दोस्तों हमारी फतेहाबाद के अंदर है। अमरूद अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो भी दोस्तों हमारा जो है फतेहाबाद के अंदर स्थित है। और दोस्तों एक क्वेश्चन वो भी पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है बिरडाना, वहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फतेहाबाद से जुड़े हुए भी दोस्तों क्वेश्चन कवर कर लें, क्योंकि अभी हाल के एग्जाम का लेवल हम देखें तो फतेहाबाद से जुड़े हुए भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों एक अनटच टाइप क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है कि सबसे पुरानी हवेली कहाँ स्थित है, तो वो दोस्तों हमारी फतेहाबाद के अंदर है। दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन कवर करना हमारे लिए बहुत जरूरी जो है वो हो जाता है, तो हमें कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात कर ली गई है खिजर खां किसका सेनापति, खिजर खां का मकबरा दोस्तों कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है आपको पता है, खिजर खां का मकबरा सोनीपत से रिलेटेड, ठीक है। यहां दोस्तों अब एचएससी अगर लेवल बढ़ाती है तो खिजर खां किसका सेनापति था क्वेश्चन उठाया जा सकता है, और उन्हीं का मकबरा दोस्तों हमारा सोनीपत के अंदर था। तो हर एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बारीकी तक, उसकी तह तक जाना हमारा जरूरी है। तो खिजर खां दोस्तों किसका सेनापति था, राइट ऑप्शन इसका हमारा ए रहेगा, तैमूर लंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सेंड पाइपर स्थल का संबंध किस जिले से है। सेंड पाइपर स्थल की दोस्तों बात की कर ली गई है, स्थल जो है संबंध किस जिले से है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी दोस्तों, रेवाड़ी से। रेवाड़ी से जो है सेंड पाइपर जो स्थल है वो हमारा किस से जुड़ा हुआ है, रेवाड़ी से। यहाँ पीछे भी हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष गुड़गांव का गुरुग्राम, यानी दोस्तों हम जो बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं कई बार वो क्वेश्चन दोस्तों छोड़ देते हैं और वही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों किस वर्ष गुड़गांव का नाम जो है गुरुग्राम बदलकर किया गया, ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों, 2016 के अंदर जो है गुड़गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, गुरुग्राम कर दिया गया था। और पूरा पूछा जाए तो दोस्तों 13 अप्रैल 2016 को, ठीक है, गुरुग्राम का जो है गुरुग्राम नाम रखा गया था, यानी गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया था 2016 के अंदर। राइट ऑप्शन दोस्तों ए रहेगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम क्वेश्चन करवाते हैं हो सकता है दोस्तों बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन ना मिले, इसलिए दोस्तों आप हमारे वीडियो जो है सभी के सभी पार्ट जरूर देखें। निम्नलिखित में से शाहबाद से संबंधित है, शाहबाद की दोस्तों बात कर ली गई है, शाहबाद से जो है किनका संबंध माना जाता है, तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी दोस्तों, उपरोक्त सभी, रानी रामपाल, संदीप सिंह और बलदेव दोस्तों, इन सभी का संबंध जो है वो हमारे जो शाहबाद है इससे जुड़ा हुआ है। रानी रामपाल दोस्तों इंडियन हॉकी वुमेन ऑफ द कैप्टन दोस्तों शाहबाद से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, और बलदेव की बात करें दोस्तों ये भी इंडियन हॉकी के कोच हैं,
ठीक है। और इसके बाद दोस्तों संदीप की बात करें तो ये भी दोस्तों इंडियन जो है हॉकी इंडिया प्लेयर जो है इनको कहा जाता है, खेल मंत्री जो संदीप सिंह है। तो इनकी दोस्तों जीवनी पर सूरमा नाम की जो है फिल्म भी एक बनी है। तो दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है हमारे जो शाहबाद जुड़ा हुआ है। शाहबाद दोस्तों एक चीनी मिल है, चीनी मिल का नाम दोस्तों आपको बताना है, चीनी मिल का क्या नाम है, ठीक है। उस चीनी मिल का दो चीनी मिल है, कहाँ कहाँ है आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया है। सबसे पहले अनाज मंडी लाडवा और 1868 के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो हमें नॉलेज अगर हमें बढ़ानी है तो एक क्वेश्चन के साथ 20 क्वेश्चन जो है कवर करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चीनी मिल की स्थापना भी आप जरूर बताओगे हमें कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त से भी बलदेव रानी रामपाल और संदीप सिंह। अनजाना पत्रिका दोस्तों, अनजाना पत्रिका का संबंध किससे है, अनजाना पत्रिका की दोस्तों यहाँ पे बात कर ली गई है। ऑप्शन इसमें बी इज हमारा राइट रहेगा। अनजाना पत्रिका का संबंध किससे दोस्तों, पेहोवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई, यहाँ दोस्तों भाषा संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की, ठीक है, जिसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी, ठीक है, जो हमारे कुरुक्षेत्र जो है ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन दोस्तों उठाया गया है। इसकी नींव की बात करें दोस्तों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनके द्वारा दोस्तों रखी गई थी। और दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसका लेवल देखते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई केवल हिंदी से, केवल पंजाबी से, संस्कृत हिंदी से या केवल संस्कृत से। तो राइट ऑप्शन इसका डी रहेगा दोस्तों, केवल संस्कृत से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की शुरुआत जो हुई थी वो केवल संस्कृत विभाग से यानी संस्कृत डिपार्टमेंट से हुई थी। दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कुरुक्षेत्र के टीले से भी पूछे जाने लगे हैं, हर्ष का टीला, करण का टीला, मिर्जापुर का टीला, भगवानपुर का टीला, दौलतपुर का टीला, ऐसे टीले से रिलेटेड दोस्तों कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए क्वेश्चन अच्छे टाइप के पूछे जाने लगे हैं। या दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कुरुक्षेत्र से तीर्थ से जुड़ा हुआ, ज्योति सरोवर, कलेश्वर, कुबेर, प्राची, ठीक है, आपका तीर्थ है चंद्रकूप है, बहुत सारे अच्छे तीर्थ है। और आपके जो है ये रटे रटा एक टाइप से तीर्थ होने चाहिए आपके, बिल्कुल कहते ही ये सारे के सारे तीर्थ जो है वो आने चाहिए, ठीक है। जैसे गीता गवन, दधीची, ऋषि से जुड़ा हुआ, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, ये याति है, तो ये सारे के सारे एक लय में रटे हुए। अगर एसएससी का लेवल हमें क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो हमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल पे तैयार करने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नाहर सिंह किले का कार्य पूरा किसने करवाया, किले की दोस्तों बात की गई है, किले का कार्य जो था वो पूरा किसने करवाया। ऑप्शन इसमें दोस्तों राइट जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, किशन सिंह ने जो है राजा नाहर सिंह के किले का कार्य जो है वो पूरा करवाया था। राजा बल्लू के पुत्र थे दोस्तों, कौन थे, किशन सिंह, राजा बल्लू के पुत्र थे, ठीक है। और राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा बल्लू के पुत्र थे किशन सिंह, उन्होंने जो है राजा नाहर सिंह के किले का कार्य जो है वो पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़ लेते हैं, शीतला माता मंदिर किस वास्तुकला की श्रेणी में बना है। अब दोस्तों शीतला माता मंदिर सभी को पता है, लेकिन यहाँ कई बार क्या होता है कि इसकी वास्तुकला श्रेणी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो वो भी हमें एक टाइप से कवर करना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी, राजस्थानी जो है वास्तुकला की श्रेणी में जो ये बना हुआ है। और दोस्तों शीतला माता मंदिर को कौन नहीं जानता, गुरु जो हमारे गुरुग्राम में गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी और चेचक की देवी शीतला माता का मंदिर दोस्तों इनको जो है जाना जाता है। और दोस्तों इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो 1650 के अंदर जो हमारे राजा जौहर सिंह थे उनके द्वारा दोस्तों करवाया गया था। बहुत ही शानदार इनसे जो है क्वेश्चन जुड़े हुए पूछे जाते हैं। और दोस्तों लगभग जो सदस्य भी कई बार पूछे जाते हैं, 11 सदस्य होते हैं। और दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो भी इसके अध्यक्ष होते हैं, तो वहां से भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में संगीत किस शताब्दी से आया। संगीत की दोस्तों यहाँ पे बात कर ली गई, संगीत जो है वो किस शताब्दी जो है हमारे हरियाणा के अंदर प्रवेश जो है किया था। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन है हमारा बी दोस्तों, दूसरी शताब्दी के अंदर जो है हरियाणा के अंदर संगीत आया था। शताब्दियों से रिलेटेड दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन कवर जरूर करें, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम का लेवल देखें तो पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध स्थल है। पूरे भारतवर्ष की दोस्तों यहाँ पे बात कर दी गई है। पूरे भारतवर्ष की बात करें तो दोस्तों सोरी क्लॉथ मार्केट, ये तिली जूती उद्योग, लिबर्टी शूज, ये है कहाँ कहाँ, स्टेप वाइज आपको बताना है सोरी क्लॉथ मार्केट कहाँ है। पूरे भारत, उत्तर भारत की फेमस है, तिल्ली जूता उद्योग दोस्तों पूरा भारत में फेमस है और लिबर्टी जूते भी पूरे भारत के अंदर फेमस है। तो राइट ऑप्शन का डी रहेगा हमारा, उपरोक्त सभी। लेकिन दोस्तों ये कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है ये कहां कहां स्थित है, बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हॉकी का गढ़ किसे कहा जाता है? हॉकी के गढ़ की दोस्तों अभी अभी हम बहुत सारे प्लेयर्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हॉकी के गढ़ की बात करें तो राइट ऑप्शन डी रहेगा, कुरुक्षेत्र को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। अब आपको दोस्तों ये क्वेश्चन बताना है क्यों कहा जाता है, हॉकी का गढ़ जो है कुरुक्षेत्र को क्यों कहा जाता है। बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम जो है प्रमाइन यूज करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट किस भाषा का शब्द है? बजट की दोस्तों बात कर ली गई है, और बजट के दोस्तों शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो चमड़े का थैला कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा हमारा ऑप्शन बी दोस्तों, बजट जो है वो किस भाषा का शब्द है, वो है दोस्तों फ्रेंच भाषा का शब्द। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान संशोधन के तहत हरियाणा राज्य को अलग किया गया, यानी दोस्तों संविधान संशोधन पूछा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत हरियाणा राज्य को जो है वो अलग किया गया था। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा रहेगा ऑप्शन सी, 18वें संविधान संशोधन के तहत जो है हरियाणा राज्य को अलग किया गया था। दोस्तों हल्के क्वेश्चन भी कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हम छोड़ देते हैं और एग्जाम में हम अक्सर गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दमदमा झील एकड़ में, यानी दोस्तों दमदमा झील जो है वो कितने एकड़ में फैली हुई है? सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है दमदमा झील कहाँ है और कितने एकड़ में फैली हुई है। राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, 3000 एकड़ में जो है दमदमा झील फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान के संशोधन के तहत दर्जा मिला? संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों जिसमें नगरीय शासन प्रणाली को दर्जा मिला? तो राइट ऑप्शन इसका हमारा बी रहेगा, 74वें संसद जो संविधान का संशोधन था उसके तहत हमारी नगरीय शासन प्रणाली को जो है वो दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी बेटी अपना धन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपनी बेटी अपना धन योजना किससे संबंधित है? योजना दोस्तों पूछी गई है अपनी बेटी अपना धन। राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए, गरीब कन्याओं से, अपनी बेटी अपना धन योजना जो है वो गरीब कन्याओं से संबंधित है। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे पुराना गुरुकुल, सबसे पुराने गुरुकुल की बात की गई दोस्तों। राइट ऑप्शन है हमारा बी, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है हरियाणा का सबसे पुराना गुरुकुल स्थित है, और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई वो भी हो सकता है पूछा जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो 1954 के अंदर जो है हरियाणा के सबसे पुराना गुरुकुल की स्थापना कुरुक्षेत्र के अंदर की गई थी। बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दोस्तों बात की गई है, तो राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन हमारा डी दोस्तों, पंचकुला के अंदर। चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो पंचकुला के अंदर है, चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम के अंदर है, और दोस्तों इसी कॉम्प्लेक्स को चौधरी देवीलाल स्टेडियम भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो वो भी दोस्तों हमारा गुरुग्राम के अंदर हो जाता है। जैसे दोस्तों भीमा देवी कॉम्प्लेक्स पिंजौर पंचकुला के अंदर हो जाता है, लेकिन भीमा देवी मंदिर की बात करें तो बेरी गाँव झज्जर के अंदर हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे मिले जुले से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हमें एग्जाम के अंदर कन्फ्यूज करते हैं, तो उनको स्टेप वाइज जो है वो क्लियर करना जरूरी है। तो चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूछ लिया जाए तो पंचकुला वहां राइट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन स्टेडियम पूछ लिया जाए तो वहां दोस्तों हमारा गुरुग्राम ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फुटवियर पार्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फुटवियर पार्क जो है वो कहां स्थित है? तो इसके दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें हम तो राइट ऑप्शन है हमारा बी, हमारे खरखोदा के अंदर, खरखोदा के अंदर दोस्तों सोनीपत के अंदर जो है फुटवियर पार्क स्थित है। और भी दोस्तों सोनीपत से रिलेटेड जो है हमारे खरखोदा, इसराना, गनौर, ठीक है, यहाँ से भी कई बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें कवर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्त्रियों द्वारा नव वधु के आगमन से पहले रात्रि में किया जाने वाला नृत्य, तो यानी दोस्तों रात्रि में किए जाने वाले नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन की बात करें राइट, तो राइट है हमारा सी, खोड़िया नृत्य दोस्तों, खोड़िया नृत्य जो है वो जो स्त्रियों द्वारा नववधु के आगमन से पहले रात्रि में किया जाता है। खेड़ा नृत्य से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए तो वो बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है, यानी दोस्तों खुशी की जगह गम पर किया जाता है। और छठी नृत्य की दोस्तों बात करें तो स्त्री द्वारा शिशु के जन्म के जो छठा दिन होता है उस अवसर पर किया जाता है। और छठी नृत्य की बात करें तो दोस्तों पुरुषों द्वारा गोगा पीर की पूजा के बाद रात्रि में किया जाता है। तो दोस्तों ये लगभग ज़्यादा तो नहीं है, 4-5 लेवल के नृत्य हैं जो एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोर सदान से संबंधित है, यानी दोस्तों बोर सदान जो है वो किससे संबंधित है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा
बी रहेगा बोर सुदान प्रजनन केंद्र है दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, ठीक है। तो बोर सुदान ऐसे भी क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा के दे दिया जाता है कि बोर सुदान प्रजनन केंद्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है, वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी, प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र हो जाता है। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पांच रंग का अचार, पांच रंग का अचार यानी दोस्तों पचरंगा अचार भी इसको दोस्तों बोला जाता है। तो इसके दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें हम तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा पानीपत के अंदर, ठीक है। पानीपत का जो है पचरंगा अचार, सूखी सब्जियां, ये तीन चार कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे से नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे दोस्तों पानीपत की बात करें तो काफ़ी मशहूर सिटी जो है SSC एग्जाम में रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन आपको फंसा मिलेगा। तो पानीपत का जितना भी इतिहास जुड़ा हुआ है वो ज़रूर जो है अच्छे से कवर कर लें। और शायद एक क्वेश्चन और दोस्तों हमारा कर लेते हैं कवर, धरोहर संबंधी संग्रहालय जहां संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें जो है रखी गई है। धरोहर संग्रहालय, धरोहर की बात आते ही दोस्तों हमारे माइंड में जो है कुरुक्षेत्र से रिलेटेड कुछ चीज़ें आने लगती है, ठीक है। तो वो हमारा राइट ऑप्शन सी रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है धरोहर से संबंधित संग्रहालय है जहाँ संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो रखी गई है। तो राइट ऑप्शन सी रहेगा। और ये थे दोस्तों आज के हमारे 25+ क्वेश्चन। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और दोस्तों जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप रिप्लाई जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।